आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 जिम्बाब्वे और ओमान सबसे आगे, टॉप टू में वेस्टइंडीज और श्रीलंका। जिम्बाब्वे में जारी वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफायर मुकाबले में अभी तक मेजबान टीम के साथ साथ ओमान का दबदबा रहा है। इन दोनों टीमों ने अभी तक खेले गए दो दो मैच जीत चुके हैं और वह ग्रुप ए और बी की पॉइंट टेबल के शीर्ष पर हैं। वहीं श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीमें भी अपने अपने ग्रुप के टॉप टू में बरकरार है। इन दोनों बड़ी टीमों ने अभी तक एक मैच खेले हैं। बता दें, इन क्वालिफायर मुकाबले के जरिए ही इस साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 के आखिरी दो टीमों का फैसला होगा। इस मेगा टूर्नामेंट के लिए अभी तक मेजबान भारत समेत 8 टीम डायरेक्ट क्वालिफायर कर चुकी है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में मेजबान जिम्बाब्वे के साथ साथ आयरलैंड, नेपाल, नीदरलैंड, ओमान, स्कॉटलैंड, श्रीलंका, यूएई, यूएसए और वेस्टइंडीज की टीमें हिस्सा ले रही है। इन टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। हर टीम को ग्रुप स्टेज में चार चार मुकाबले खेलने को मिलेंगे। दोनों ग्रुप से टॉप थ्री टीम को अगले राउंड के लिए यानी सुपर सिक्स के लिए क्वालिफाई करेगी। ग्रुप ए में मेजबान जिम्बाब्वे के साथ नेपाल, वेस्टइंडीज, नीदरलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका समेत आयरलैंड, ओमान, स्कॉटलैंड और यूएई है। सुपर सिक्स में भी दो ग्रुप बनेंगे और एक ग्रुप की टीमें दूसरे ग्रुप के अन्य तीन टीमों के खिलाफ मैच खेलेंगे। इसके बाद दोनों ग्रुप में टॉप करने वाली टीमें वर्ल्ड कप 2023 का टिकट कटा सकेंगी।